चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। है ट्यूसडे और आज भाई मेरे को जाना पड़ रहा है ऑफिस। मन तो वैसे है नहीं, लेकिन कुछ कर नहीं लाइफ सकते, पे क्योंकि मेरे 2 साल के करियर में मैं सिर्फ 2 बार ही ऑफिस गया हूँ। तो आज थर्ड टाइम जा रहा हूँ। मीटर को ये कर देता हूँ 0 पे। तो मेरा ऑफिस जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मेरा ऑफिस यहाँ से है अराउंड 18 किलोमीटर्स। मुझे लग रहा है विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि ये गोप्रो को मैंने जैसे लगाया है तो मुझे लग रहा है विंड ब्लास्ट थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। और भाई गाड़ी की हालत बहुत ही ख़राब हो रखी है। लास्ट वीकेंड भी कुछ प्रोडक्टिव हुआ नहीं, और इस वीक तो भाई प्रोडक्टिव बस मैं मंडे टू फ्राइडे ही रहता हूँ। सैटरडे और संडे तो भाई मैं एकदम गायब ही हो जाता हूँ। तो चलो चलते हैं, आज ऑफिस करते हैं। भाई देखो रास्ते के बीच में खड़ा होकर ये बात कर रहा है। भाई अकेला रहना भी मतलब एक तरह का वॉर ही है। यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ एवरी डे। मोबाइल के कवर रास्ते पे ही बिक रहे हैं भाई। यहाँ पे वेन्यू वेन्यू में भाई गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। कैलकटा में भाई मारुति 800 पे गाड़ी चलाना सिखाते हैं, वो भी 5,500-6,000 रुपये ले लेते हैं फालतू का। भाई टाइम तो 3 बज चुका है, 3:15 हो चुका है। 4:30 बजे से मेरी शिफ्ट है। 18 किलोमीटर अपने को कवर करना है। पता नहीं कवर कर पाएंगे कि नहीं, या लेट ना हो जाऊं। अब देखते हैं, यहाँ का ट्रैफिक भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। पता ही नहीं चलता है कब ट्रैफिक हो जाएगा कब नहीं हो जाएगा। भाई लास्ट डे में आ रहा था इस रास्ते पे पूरा ही पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक था। आई कार्ड ले लिया है, नहीं तो ऑफिस वाले घुसने नहीं देंगे। वैसे यहाँ का वेदर एकदम अभी चिल्डी है, मतलब गर्मी है, बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अपन खींच के चलेंगे, नहीं धीरे धीरे ही चलेंगे। तो अभी बाइक का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बाइक माइलेज दे रहा है भाई 25 का। तो मैंने इसका जो कार्बोरेटर का सेटिंग है वो मैंने सही करवाया, लेकिन पता नहीं आज चलाने के बाद पता चलेगा कितना माइलेज दे रहा है कितना नहीं दे रहा है। तो मैंने एग्जैक्ट 1 लीटर ही तेल भरा है इसमें। तो और जो माइलेज जो कार्बोरेटर की मैंने सेटिंग की है तो मोस्ट प्रोबेबली 30 तक का माइलेज देना चाहिए। देखो भाई इसको कोई धक्का वक्का मार के निकल जाता शायद। तो भाई आज अपन पकड़ेंगे हैदराबाद यूनिवर्सिटी वाला ही रास्ता, क्योंकि एलविन वाला रास्ता सही है लेकिन भाई काफ़ी ट्रैफिक रहता है वहाँ पे। हो गया भाई ट्रैफिक। वाला रास्ता लूँगा तो भाई काफ़ी डिले हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे भी वैसे भी बहुत काफ़ी भीड़ दिख रहा है मेरे को। तो अपन एक काम करेंगे, एलविन क्रॉसिंग वाला रास्ता नहीं लेके लिंगमपल्ली वाला रास्ता ले लेते हैं, वही बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि भाई जैम तो देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जैम है। यहाँ पे भाई स्कूटी पे विदाउट हेलमेट, कान में हेडफोन, मोबाइल में गाने। हैदराबाद में एक चीज़ है, जैसे कैलकटा में हर एक चौराहे पे हर एक नुक्कड़ पे तुमको 5-6 पुलिस वाले तो दिख ही जाएंगे। मैंने आज तक हैदराबाद में, मतलब ओल्ड सिटी की तरफ होगा बट इस तरफ जिस तरफ पे मैं रहता हूँ, तो इस तरफ मैंने आज तक कभी कोई पुलिस नहीं देखी है। भाई साहब आज पक्का लेट होने वाला हूँ, लग ही रहा है मेरे को। जल्दी से कटा कुटा के निकलता हूँ भाई।
आज 2 साल बाद दूसरी बार ऑफिस जा रहा हूँ। और अभी लग रही है गर्मी। ये आ गया BHL, तो BHL से अपन लेंगे लेफ्ट और लेफ्ट लेके एकदम सीधा खींचेंगे। भाई 8 किलोमीटर चल चुके हैं और भी 10 किलोमीटर है। ये साला गूगल मैप ना हमेशा गलत ही दिखाता है मेरे को, जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ से मेरा ऑफिस और 10 किलोमीटर दिखा रहा है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। आज एकदम काउंट करूँगा भाई। मैंने घर से स्टार्ट किया था तब हो रहा था 0 0 पे मैंने मीटर सेट कर दिया था, तो अभी चलते देखता हूँ कितना होता है आज। तो भाई सिग्नल आ गया, सिग्नल तो दिखाई नहीं रहा कितना टाइम है क्या है। वो देखो भाई पुलिस खड़ी है उधर, इस तरफ है पुलिस। ये रास्ता एकदम स्ट्रेट जाना है, एकदम स्ट्रेट। वो देखो वो बंदा ऐसे ही निकल गया बिना सिग्नल के। यहाँ के भी पुलिस क्या ही करेगी, कलकत्ता की पुलिस होती तो अभी तक इसको दबोच के इसकी गांडे ले ली होती। गांड अलग और फाइन अलग, सब अलग अलग हो जाता है एकदम। 3:35 बज चुके हैं, 1 घंटा है लॉग इन के टाइम में, तो 1 घंटे में तो भाई पहुंच जाऊंगा मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले एरिया में तो जैम होना एकदम होता ही है यहाँ पे। अच्छा सब लोग फ्लाईओवर ही जा रहे हैं, सब दिव्यश्री वाला ही पब्लिक है, तो भाई थोड़ा कटाके निकलते हैं अपन भी। ऊपर स्पीड कैमरा भी लगे हुए हैं। अरे बस भाई बस 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 बस, दूर ना जाना तू मुझसे, दूर दूर ना जाना तू मुझसे दूर। तो भाई ये है अपना ऑफिस, तो ऑफिस तो यहाँ से काफ़ी टाइम लग जाता है आने में भी और निकलने में भी। और यहाँ पे एक दुकान नहीं मिलेगी खाने पीने की, सुट्टा पी लो या तो फिर कुछ कर लो, एक दुकान नहीं है यहाँ पे। देख रहे हो कहाँ कौन सी चढ़ाई में चढ़ना पड़ रहा है। अच्छी खासी तो भाई IBM का है, सेकंड फ्लोर। अच्छा लास्ट टाइम वहीं पे लगाया था गाड़ी मैंने।
भाई यहाँ पे गाड़ी लगाने की व्यवस्था थोड़ी ख़राब है, अपन यहाँ लगा देंगे गाड़ी। चलो भाई मिलते हैं बाद में। पार्किंग का ही रास्ता भूल गया। नहीं आप सही आए हो, P1 पे थी ना बाइक। हाँ IBM पार्किंग लिखा हुआ है, वो खड़ी अपनी बाइक। बाइक भाई क्या सही लग रही है, बस इसमें थोड़ा सा अपन काम करा ले तो कोई दिक्कत ना हो। तो भाई निकलते हैं ओरियन। ओरियन आई कार्ड का है अपना, जेब में है। नहीं तो भाई पेट्रोल तो भराना पड़ेगा इसमें। बिना पेट्रोल भराए होगा नहीं। भाई साहब सुबह के टाइम लग रही थी गर्मी और अभी रात को लग रही है ठंडी। भाई निकलने वाला हूँ मैं अभी, ये निकल गए अपन ऑफिस से। भाई मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है ना कि मतलब कितना ही दूर जाना है मेरे को घर।
तो 18 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। चलो भाई निकल लिए अपन ऑफिस से। ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा।